हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बगल एमएससी वेट आपका स्वागत करता हूं। हम हर समय एक नया केस लाते हैं और अलग ही लाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पालतू पेट एनिमल हैं, खासकर छोटी ब्रीड्स के कुछ डॉग्स होते हैं, उसमें वजाइनल प्रोलैप्स या मेडिकल भाषा में बोलेंगे तो वजाइनल हाइपरप्लासिया जो होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो होते पक्स वगैरह में दिखने को मिलता है कभी कभी। तो उसका कारण क्या रहता है कि पक्स का जब तो एनाटॉमिकल जो बनावट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है दूसरे डॉगों से, और जब भी कुछ पशु को स्ट्रेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या जो हीट है उसकी एस्ट्रस साइकिल है उसका प्रो स्ट्रेस पीरियड में है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, तो उसके कारण जो उसकी वजाइना होती है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो उसका जो है पोर्शन है वो वजाइना के रास्ते बाहर दिखने लगता है और दिखने बाहर दिखता है। और ये होता है क्या, जब हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसका जो भाग होता है, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने के बाद में एक बार इरिटेशन चालू होता है उसमें, तो हम अंदर बिठा भी दें तो वापस वो एनिमल स्ट्रेन करता है और बाहर उसको फेंक देता है। तो उसका मैं बताता हूँ कि हम कैसे ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट ये है कहूँगा मैं कि जब भी इस प्रकार के प्रोलैप्स हो तो आप अच्छे एक्सपर्ट पशु चिकित्सक के पास जाएं और तुरंत उसकी सलाह लें और उसका बिल्कुल अच्छे से इलाज करवाएं। इलाज बहुत ही आसान है। एक बार उसको अंदर करेंगे सर्जन, और उसके बाद एक नोट लगाएंगे, जो इसको बोलेंगे एक टाका लगा देंगे, और जो टाका भी बहुत आसानी से लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। और टाका लगाने के बाद में जितना पेशाब आए उतना छेद उसमें रखा जाता है, और वो जो प्रोलैप्स हैं, हाइपरप्लासिया है, वो मांस बाहर नहीं आएगा। उसके बाद करीब उसकी 3 दिन की या 4 दिन की मेडिसिन देंगे। 4 दिन की मेडिसिन के देने के बाद बिल्कुल ही आपका जो पैड्स हैं अच्छा हो जाता है और उसका कोई दिक्कत नहीं आता है। आप बेझिझक इसमें अच्छे से इलाज करवाएं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि इसको पुराना नहीं होने दें। अगर आपका केस बहुत पुराना हो गया है, प्रोलैप्स बहुत समय से चल रहा है, तो उसका तो एक ही ऑप्शन है कि सर्जरी के द्वारा जो प्रोलैप्स मास है उसको कट कर दिया जाता है। वो कट करने के बाद में उसको प्रॉपर मैनेज होता है। उससे पहले आप मैनेज भी, अगर आपका प्रोलैप्स मास एक बार कट कर दिया तो आपको उस ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, और ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए ब्रीड्स को रखते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है महत्वपूर्ण। तो हम बोल रहे हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं। ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहले जो प्रोस्टल हाइपरप्लासिया होता है तो उसमें ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का यूज किया जाता है ताकि उसका ओवुलेशन जल्दी से हो जाए और जो हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाए। दूसरा जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी दिया जाता है, दूसरा एंटीबायोटिक दिया जाता है, और तीसरा जो है उसमें अगर रिस्टेनिंग अगर ज़्यादा का कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जो फिशेस हैं उसको स्मूथ करने के लिए जो स्मूथर आते हैं वो देने की ज़रूरत होती है। इसका ट्रीटमेंट वो भी खास नहीं है, एक हार्मोनल थेरेपी होती है अकॉर्डिंग टू वेट्स। ये वेट्स ही डिसाइड करता है कि किस समय आपको क्या देना होता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत चेंज हो गया ट्रीटमेंट का, पहले जैसा नहीं रहा है, और हम लोग हर चीज़ उपयोग करते हैं आज की तारीख में। तो वेट्स यही ध्यान रखें कि हम इस प्रकार के केस को बहुत अच्छे से करें और पशु को कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत अच्छे से मैनेज करें। आपके पास जब भी कोई केस आए तो बहुत अच्छे से इसको सर्जरी करें। सर्जरी अगर पॉसिबल नहीं है या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है तो आप सूचर लगाएं उसको और उसको क्योर करें। थैंक यू, आप मेरे से जुड़े और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।